हे गाइस, YouTube चैनल से पैसे कमाने हैं और YouTube पर बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने के बाद भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आपके YouTube पर व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो आज इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना। मैं एक ऐसा मेथड आपको बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने चैनल को ईजिली मोनेटाइज कर पाओगे और धीरे धीरे आपका चैनल भी ग्रो होने लगेगा। तो वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हो तो मैं इसमें आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ जिसके थ्रू जो आप 15 से 20 दिन में आप अपना चैनल मोनेटाइज करा सकते हो। उसमें मैं आपको 100% प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे सिर्फ हवा में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि इस तरह से अगर आप लोग काम करते हो, इस ट्रिक को अप्लाई करते हो तो आपका चैनल 15 से 20 दिन में, मैक्सिमम 15 से 20 दिन बोल रहा हूँ, उतने में आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो ही जाएगा। बस शर्त सिर्फ इसमें इतनी है कि आपका चैनल पर जो भी आपका कंटेंट होगा वो 100% आपका ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक या फिर कहीं से उठा लिया, उसको आपको एज इट इज़ वहाँ पे अपलोड कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो वो आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो वीडियो को बिना स्किप के एक बार ध्यान से देख लो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में आपको अपने पीसी या फिर लैपटॉप को यूज़ करके ये सारा मेथड आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग अपने मोबाइल से अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं इससे आगे एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को यूज़ करके अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास लैपटॉप या फिर पीसी होना चाहिए और साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप अपने चैनल को ईजिली मोनेटाइज कर सकते हो 10 से 15 दिन में या फिर 20 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो अब जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यूट्यूब ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा चैनल आ चुका है। हे गाइस, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे वीडियोज के सेक्शन में आपको चले जाना है। अब वीडियोज में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, आप अपने चैनल के सारे वीडियोज को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको जो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपने क्रोम में यहाँ पे ऊपर जो है आपका आइकन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है गेस्ट का और ऐड का, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद एक और टैब ओपन हो जाएगा, तो अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको दूसरा अपना जीमेल एड्रेस होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपके पास 15-20 या फिर 50 ईमेल एड्रेस जितने भी आप चाहो बना सकते हो। जीमेल एड्रेस बनाना बिल्कुल ईजी है और फ्री है, तो आप चाहे जितने बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है। तो अभी मैं साइन इन नहीं करता क्योंकि मेरे पास अभी कोई और ईमेल एड्रेस नहीं है, तो आपको साइन इन करना है, मैं विदाउट करता हूँ, ठीक है। ओके, तो एक और टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको नाम दे देना है सिंपली 1। ओके, इसको कर दे डन। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब सेम चीज़ हमें फिर से करनी है। अब यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको दूसरे ईमेल एड्रेस से साइन इन करना है। आपको 20-30 ईमेल एड्रेस होंगे ना आपके पास, तो आपको हर टैब में एक दूसरा ईमेल एड्रेस डालना है, जिससे क्या होगा कि यूट्यूब को लगेगा कि ये नए नए ईमेल एड्रेस से जो है वीडियोज़ देखी जा रही है। तो आपको साइन इन कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, यहाँ पे आपको दो नंबर दे देने, इसको डन कर देना है। चलिए इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। इस तरह से जो है हमने दो टैब बना लिए। मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ दो बता रहा हूँ। अगर आप लोग को इस मेथड के थ्रू आपके अपने चैनल को मोनेटाइज कराना है तो आपको 20-30 टैब इस तरह से बना लेने हैं डिफरेंट ईमेल एड्रेस से। अब आपको क्या करना, चलिए इसको पहले मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आपको VPN डाउनलोड करना है। आप गूगल या फिर कहीं से भी आप जो है अपना VPN डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के आपको VPNs डाउनलोड करने हैं। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ VPN। देखो यहाँ पे कितने सारे VPN आ गए, लेकिन आपको इसमें से कौन सा डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप कोई सा भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपका कंटेंट अगर हिंदी में है, ठीक है, आप लोग हिंदी में वीडियोस बनाते हो तो आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरेबिया या फिर दुबई जैसी कंट्रीज़ को जो है आप VPN के थ्रू अपना कंट्री सिलेक्ट करना। उससे क्या होगा कि हिंदी ऑडियंस जो जहाँ पे होगी वहाँ से आपके व्यूज़ आएंगे, तो YouTube को भी लगेगा कि हाँ भाई इस कंट्री से व्यूज़ आ सकते हैं। अगर आप लोग का कंटेंट हिंदी में और आप न्यूजीलैंड से व्यूज़ ले रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से व्यूज़ ले रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली YouTube को पता चल ही जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन्हीं कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है जिस कंट्रीज़ में आप लैंग्वेज चलती हो, ठीक है। तो अब VPN को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अभी मैं VPN के बिना ही यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो मेरा खुद का यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है, तो अभी VPN के बिना मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ डेमो के लिए। अब चलिए यहाँ पे जो है मैं क्रोम ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास दो है, ठीक है, यहाँ पे दो है, आपके पास जितने भी आपने बनाए होंगे उतने होंगे। इस पर क्लिक करना है तो हमारा टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर से दूसरा टैब ओपन करना है। इसी तरह से हमें सारे टैब्स को ओपन कर लेना है और इसको जो है छोटा कर देना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इतनी छोटी छोटी साइज के रखोगे ना तो आपको ही बेनिफिट होगा।
इन सभी को जो है अलग अलग जगह पे आपको सेट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपके वॉच टाइम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास 15-20 होंगे या फिर ज़्यादा होंगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैनल तो ओपन है, ठीक है, तो चलिए इसमें भी ओपन कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है चैनल आ चुका है, तो इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए हमारे यहाँ पे चैनल ओपन हो चुका है, ये वीडियो हमारी चलने लगेगी, इसे बंद कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा टैब हो गया। सेम चीज़ हमें इसमें भी करनी है। जितने भी टैब्स आप ओपन करोगे उसमें आपको अपना चैनल ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पे 3 टैब्स ओपन करके रखे। अगर मैं चाहता तो मैं भी यहाँ पे 20 या फिर 50 टैब ओपन कर देता, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप लोग को डेमो के लिए सिर्फ समझना है कि किस तरह से काम करना है। चलिए यहाँ पे हो गया। ओके, तो ये 3 टैब है, ठीक है हमारे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपके वीडियोज के सेक्शन में आपको जाना है, सभी चैनल के आपको वीडियो सेक्शन में चला जाना है। देखो यहाँ पे वीडियो में जाओगे, यहाँ पर भी वीडियो में जाओगे। यहाँ से अब आपके चैनल का सबसे बड़ा वीडियो, जो कि जिसकी साइज लंबी हो, जो 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का, जितना भी लंबा से लंबा आपके चैनल पर जो भी वीडियो होगा उसको आपको चूज करना है। मेरे हिसाब से अगर आपके चैनल पर 1 घंटे का वीडियो होगा तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपको उसमें रीलोड करने में टाइम कम लगेगा। अगर 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो होगी तो वो रीलोड करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप हो सके तो 1 घंटे की अपनी खुद की वीडियो बना लो, उसके बाद जो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए एक वीडियो में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, चलिए पहला ही कर लेते हैं ताकि जो है टाइम ना जाए। देखो यहाँ पे हमारा पहला वीडियो ओपन हो चुका है। अब इस टैब में भी हम पहला वीडियो ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर भी हमारा पहला ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर भी हम अपना पहला वीडियो जो है इसको ओपन कर लेते हैं। देखो 3 टैब में हमारा वीडियो ओपन हो चुका है। अब मान लो कि ये तीनों टैब में मेरा 1-1 घंटे का वीडियो है, ठीक है। अगर इस तरह से मेरे 10 टैब होंगे तो खुद सोचो आप, 1 घंटे में मुझे 10 घंटे का वॉच टाइम मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 50 टैब ओपन करके रखूँगा तो मुझे 1 घंटे के अंदर 50 घंटे का वॉच टाइम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे शर्त सिर्फ इतनी है कि आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत इंटरनेट कंज्यूम होने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, चलिए इसको भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसका जो वॉल्यूम है वो पूरा डाउन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ओपन कर देते हैं। देखो इस तरह से अभी मेरे सामने देखो ये वीडियो चल रहा है, 3 वीडियोस यहाँ पे एक साथ चल रही है। 1-1 घंटे की वीडियो होगी तो 1 घंटे में 3 घंटे हमारे काउंट हो जाएंगे। इसी तरह से आप जितने चाहो उतने टैब्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप अपनी वीडियोस को चला सकते हो। अब वीडियोस जितनी ज़्यादा चलेगी उतना वॉच टाइम आपको जल्दी मिलेगा। अगर आप लोग 50 टैब चलाते हो और 10 घंटे तक कंटिन्यू अपने पीसी में इस तरह से इस मेथड को चला रहे हो तो 500 घंटे का वॉच टाइम आपको 10 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आप काम करोगे, चाहे 500 घंटे का ना भी आए, अगर दिन का 100 घंटे भी आए 200 घंटे भी आए, तब भी आपको 15 से 20 दिन या फिर महीने भर में आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपका चैनल जो भी हो उसमें आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, तभी तो यूट्यूब रिव्यू में आपका चैनल को मोनेटाइज करेगा। अगर दूसरों का कॉन्टेंट लेकर आप लोगों ने अगर अप्लाई किया है फिर तो आपका चैनल मोनेटाइज होने से रहा। तो इस मेथड को अप्लाई करने से आपका 3000 घंटे का वॉच टाइम तो कंप्लीट हो जाएगा। अब सब्सक्राइबर्स की बात करें तो सब्सक्राइबर्स कैसे लाएंगे, तो चलिए इसको क्लोज करते हैं, इसको कर देते हैं मैक्सिमल, इस वीडियो को क्लोज कर दे। अब देखो यहाँ पे जो हमारे टैब्स बने हैं, ठीक है, हमने 2 बनाए, ठीक है। आपने जितने भी बनाए 10-20 जितने भी ईमेल एड्रेस आपके पास थे उतने आपने यहाँ पे लगा दिए। अब मान लो कि मेरे पास 20 अभी जीमेल एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 20 टैब होंगे, तो उन 200 टैब्स में से मैं जो अपने चैनल पर जाऊंगा और वहां से मैं सिंपली सब्सक्राइब कर दूंगा। यहां पे हालांकि अभी तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरा खुद का अभी चैनल यहां पे लॉगिन है, तो यहां पे सिंपली सब्सक्राइब कर देना। अगर 20 टैब से आप सब्सक्राइब करते हो तो आपके 20 सब्सक्राइबर्स हो गए। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 200 तकरीबन तो मिनिमम कॉन्टैक्ट होंगे ही। आप उनको भी बोलोगे तो वहाँ से भी आपके 50-100 सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करोगे तो वहाँ से 20-30-50 सब्सक्राइबर्स आपको मिल जाएंगे।
तो ऐसे करके आपको 200-300 सब्सक्राइबर्स तो इजीली मिल जाएंगे। फिर आप अपने कंटेंट के दम पर भी तो 200 सब्सक्राइबर्स ले सकते हो। आपको 500 सब्सक्राइबर्स ही करने हैं ना, तो तब तक तो आपको हो ही जाएंगे। जब तक आपके 3000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट होगा, तब तक तो आपका चैनल का सब्सक्राइबर बेस भी कंप्लीट हो जाएगा 500 सब्सक्राइबर्स का। तो अब इस तरह से इस मेथड को अप्लाई करके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जब भी वॉच टाइम कंप्लीट हो तुरंत आप अप्लाई मत करना, एक दो वीक हो जाना देना, क्योंकि इसमें जो आपका वॉच टाइम होगा वो थोड़ा सा डाउन होगा। तो जितना डाउन होना होगा वो हो जाएगा, एक दो वीक के बाद आप अप्लाई करना, उससे आपको पता चल जाएगा कितने घंटे कम बढ़े, उस हिसाब से आप फिर से घंटे बढ़ा देना। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो आप अपने पीसी को यूज़ करके अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।